नमस्कार, आप देख रहे हैं लोक सेवा न्यूज। मैं हूं आपके साथ रजत त्रिपाठी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने आज नए भारत का आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए बजट पेश किया है। हमारे साथ चर्चा करने के लिए राज्यसभा सांसद अशोक वाजपेयी जी हैं। चलिए उनसे जानते हैं कि बजट में उन्हें क्या संभावनाएं दिखी और क्या सच में ये बजट आत्मनिर्भर भारत बनाने में मदद करेगा। सर, जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका। इस बजट में आपको क्या संभावनाएं दिख रही हैं? ये बजट विकासोन्मुखी बजट है। इससे देश का सर्वांगीण विकास होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर पर विशेष बल दिया गया है। स्टार्टअप पर काफ़ी ध्यान देने का काम किया गया। औद्योगिक दृष्टि से एक समृद्ध भारत बनाने का इस बजट में संकल्प दिखाई पड़ता है। और कुल मिलाकर के ये बजट की जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है। समाज के सभी वर्गों को, उनकी भावनाओं को, उनकी अपेक्षाओं को छूने वाला बजट है। और ये बजट अपने में क्रांतिकारी बजट है। सर, जैसे अभी बजट में लेकर जब चर्चा मैंने कुछ विपक्षी लोगों से किया, उनका कहना है कि जो किसान प्रदर्शन भी कर रहे हैं और कृषि के लिए कुछ बजट में विशेष कुछ खास नहीं है, उनका कहना है। देखिए, इसमें कृषि ऋण की मात्रा को बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। किसानों को MSP पर खरीद के लिए जो वर्तमान है उससे और बढ़ाने का, किसानों को लागत का 1.5 गुना लाभ पहुंचाने का, किसानों की आय 2024 तक दुगुनी करने का, ये तमाम सारे संकल्प हैं। किसानों के हित में इस बजट में जितनी संभावनाएं हैं और जितने फैसले लिए गए हैं वो मैं समझता हूं अपने में ऐतिहासिक हैं। सबसे ज़्यादा बजट का सबसे प्रमुख भाग जो है किसानों को लेकर के है और किसानों के लिए लाभकारी योजनाओं को लेकर के है। इस बजट में चुनावी राज्यों का भी बड़ा ध्यान रखा गया है। वित्त मंत्री अपने स्पीच में तमिलनाडु, असम और बंगाल का काफ़ी जिक्र कर रही थी। ये स्वाभाविक है कि इन राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं। वैसे भी इन राज्यों के विकास के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध रही है, चाहे पूर्वोत्तर के राज्य हों, उनके विकास के लिए, उनकी संभावनाओं के लिए सरकार ने प्राथमिकता पर काम किया है और आगे भी करने जा रही। इस बजट में उसके प्राविधान किए गए हैं। उसी तरह वेस्ट बंगाल हो, तमिलनाडु हो, इन राज्यों के विकास की ओर सरकार ने विशेष ध्यान देने का काम इस बजट में किया है। इस बजट में बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी सर रही कि जैसे कुछ बदलाव नहीं किया गया। हर बजट में एक होता था इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव कर दिया जाता था। दरअसल ये लुभाया भी जाता था, खासकर जो टैक्स पेयर हैं, मिडिल क्लास के जो वोटर हैं। इस बार ऐसा कुछ बदलाव नहीं किया गया, तो क्या कोई लुभाने की योजना नहीं रही इस बजट में? देखिए, हम लोग लुभावन पे नहीं बात करते, हम तो यथार्थ के ऊपर काम करते हैं। हमारी सरकार लोगों के लिए क्या हितकारी है, लोगों के लिए कैसे हम उनकी आर्थिक स्थिति को सुधार सकते हैं, देश की अर्थव्यवस्था कैसे सुदृढ़ होगी, विकास दर कैसे बढ़ेगी, समाज के सर्वहारा वर्ग को उसको बजट से जो उम्मीदें हैं वो कैसे पूरी होंगी, ये सारे प्रयास इस बजट में किए गए हैं। और इस बजट में केवल लोगों को लुभाने के लिए नहीं, यथार्थ में लोगों का हित साधने के लिए बजट में व्यवस्था की गई है। 2022 में आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मनाई जाएगी और पिछले 5-6 सालों से जब से केंद्र की मोदी सरकार सत्ता में है तब से बहुत सारे ऐसे लक्ष्य रखे गए हैं जो 2022 में पूरे होंगे और ये बजट 2022 के पहले का, एक तरह से कहें 2021-22 का बजट है। तो इस बजट में क्या वो सारी संभावनाएं मौजूद हैं जो लक्ष्य 2022 में रखे गए हैं वो पूरे हो पाएंगे? नहीं, देखिए, बजट एक कोरोना काल, एक ऐसा संक्रमण काल था जिसमें हमारी अर्थव्यवस्था, क्या दुनिया के सभी देशों की अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई। कंपेरेटिवली हमारी अर्थव्यवस्था उससे ज़्यादा सुदृढ़ रही है, लेकिन फिर भी काफ़ी कुछ हमने कोरोना काल में, जो हमको आय के, राजस्व के जो संसाधन थे वो प्रभावित हुए, हमारे खर्चे बढ़े, लोगों को कोई दैनिक जीवन में कठिनाई न हो, और उसके लिए विशेष प्रकार की बजट में रियायतें देने का काम, 20 लाख करोड़ रुपए की राहत देने का विभिन्न योजनाओं के माध्यम से कोरोना काल में प्रधानमंत्री जी का जो निर्णय था, तो ये सारी चीज़ों से बजट प्रभावित रहा है या लोगों की अर्थव्यवस्था हमारी प्रभावित हुई है। लेकिन सबके बाद भी जो हमारा 21-22 का बजट है वो क्रांतिकारी बजट है। इसमें विकास की ओर समुचित ध्यान दिया गया और ख़ासतौर से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, चाहे सड़कों का निर्माण हो, रेलवे लाइन को बिछाने का हो, गगनयान भेजने का,
तमाम सारी चीज़ों का इस बजट में प्राविधान किया गया है और ये बजट अपने में मूल रूप से एक विकासोन्मुख मुखी बजट है और इस बजट से समाज के सभी वर्गों को अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए विशेष सुविधा इसमें देने का काम किया गया। आदिवासी छात्रों के लिए इसमें इस बजट में विशेष व्यवस्था की गई, एकलव्य विद्यालयों को और आगे खोलने के लिए, इसी तरीके से लेह में केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने का, यानी इस तरह से देखें समाज के हर वर्ग को छूने का काम किया गया और सबको दृष्टि में रखकर ये बजट का बनाने का काम किया गया। इसके लिए देश के वित्त मंत्री की जितनों बधाई दी जाए वो कम है और देश के प्रधानमंत्री को जिनके मार्गदर्शन में देश का एक इतना सुनियोजित बजट आया है जिससे समाज का हर वर्ग लाभान्वित होगा। चलिए सर, हमारे साथ बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना कि किस प्रकार सर का कहना है, अशोक वाजपेयी जी का कहना है कि ये जो बजट है वो सबका साथ सबका विकास वाला बजट है और इस बजट में आत्मनिर्भर भारत को बनाने की पूरी संभावना है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए लोक सेवा न्यूज।